वीडियो ऐप स्टार्ट हो चुकी है। हो चुकी है? यस। तो ये गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इनोवा के अंदर सो सकते हो। देखिए, अगर आपके पास ये जो पहला सीट है, तो पहले सीट पे भाई सोना कैसे है वो देखेंगे। सोना कैसे है, मोस्टली बहुत से जनों को एक डिफ़िकल्टी होती है सोने में। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी है, इसने ऑलरेडी एक सीट बना करके रखा है। तो ये पहले आपको सो करके दिखाएगा, वो चीज़ें आप यहाँ पे रख दीजिए, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तब तक ये सोने की कोशिश करेगा, तब तक ये देखिए हमारे पास एक फ़ैन भी आ चुका है यहाँ पे, गियर टॉप करके है। तो इसका रिव्यू मैं वीडियो, जो रिव्यू वीडियो रहेगा, वो जल्दी ही आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ हमारे इस चैनल पे, गुश एंड्रॉइड वाले, तो देख लेना। फिलहाल ये सो रहा है, एंड इसके अंदर भी आपको 3 स्पीड मिल जाते हैं, ठीक है, काफ़ी बढ़िया हवा लगती है इससे। तो इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब ये देखिए भाई, ये है इनोवा क्रिस्टा, एंड कितना आराम से यहाँ पे ये सो चुका है, बहुत ही आराम से ये सोता है। एंड यहाँ पे आप इसे जो है, इसे क्या बोलते हैं, रिक्लाइन जो है, आप रिक्लाइन भी कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे रिक्लाइनिंग वाला, तो आराम से रिक्लाइन हो जाता है। अभी ये जो सीट है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसे भी मैं अपने हिसाब से यहाँ पे इस तरीके से रिक्लाइन कर सकता हूँ एंड आराम से सो सकता हूँ। चलिए, ये तो हो गई पहली बात, लेकिन अभी ये कैसे सोया है इसके बारे में हम देखेंगे कि इसने एक्चुअल में किया क्या जिससे ये इतना आसान से एंड आराम से यहाँ पे सोया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, जो मेरे पीछे है हेड रेस्ट, दिमाग का रेस्ट, हेड रेस्ट, इसे आपको हटाना पड़ेगा। तो मैं पीछे जा करके आपको बताता हूँ हर एक चीज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ पीछे, पीछे की ओर जा करके देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि इस सीट को चाहे जितना हो सके उतना आगे कर लेना है नीचे से, ठीक है। तो हम इसे कर लेते हैं पूरी तरीके से आगे। अब ये पूरी तरीके से जो है आगे हमने शिफ्ट कर लिया है, ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं पीछे वाले सीट पे। अब यहाँ पे जो है मैं आ चुका हूँ अपने पीछे वाले सीट पे। अब हमें करना क्या है, सबसे पहली बात, इसको पूरी तरीके से रिक्लाइन कर लेना है। आपको पता है इसे रिक्लाइन कैसे करते हैं, तो यहाँ से, एंड उससे पहले जैसे इन्होंने कहा कि हम हेडरेस्ट निकालना होगा, पहले निकालना होगा, तो ये आसानी से निकल जाता है। इसे आप पीछे रख सकते हो, पीछे रख लीजिएगा, क्योंकि पीछे वैसे कोई है नहीं। एंड अब यहाँ से साइड से इसका रिक्लाइन एंगल होता है, रुको 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 रुको, मेरे पैर पे आ जाएगा वो। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले, अरे बाप रे, ये ऐसे, ओके। अभी दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि आगे वाली सीट को आपको आगे लेना है, तो पीछे वाली सीट को पीछे लेना है। तो मैं इसे पीछे ले लेता हूँ। अब इसे पीछे लिया कैसे जाएगा, क्योंकि मेरा हाथ तो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब मैंने इसे मैक्सिमम पीछे ले लिया। अब इस सीट को हम पूरा तरीके से नीचे करेंगे यहाँ पे, ये देखिए। तो भाई साहब, ये इस तरीके से आप यहाँ पे बिंदास सो सकते हो, रिक्लाइन कर दो, और ये भी रिक्लाइन हो जाता है। तो ये भी देखिए आप, ये देखिए, ये और रिक्लाइन हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि आपको कुछ और सपोर्ट चाहिए, तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये बहुत आरामदायक ऐसी सीट आपके लिए बन सकती है इनोवा क्रिस्टा के अंदर। एंड मैं इसे इस तरीके से भी रख सकता हूँ, फिर वो चाहे जितना आपको चाहिए उस हिसाब से। अब ये जो रिक्लाइन एंगल, इसे और भी हम नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक दिक्कत आ सकती है कि आपके जो बैक सपोर्ट है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पीलो मिलता है, पीलो को आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो ये देखिए, पीलो को इस तरीके से यहाँ पे रख देना है, उसके बाद में आप यहाँ पे ऐसे सो सकते हो। रही बात और रिक्लाइन एंगल की, तो वो भी कर सकते हो। ये अभी आगे आ गया, मैं इसे करता हूँ पीछे। अब ये हो गया मैक्स, तो इस तरीके से। एंड भाई, अभी मैं लगभग हूँ यहाँ पे 5 फीट 11 इंच। इसे मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल आराम से हमें यहाँ पे सो सकता हूँ। 5 फीट 11 इंच, लगभग 6 इंच का आदमी यहाँ पे आराम से सो सकता है। 6 फीट 6 फीट, दो बंदे यहाँ पे आराम से, बिल्कुल आराम से सो सकते हैं। गाड़ी में बस आपको एसी ऑन रखना पड़ेगा, अगर आप रात के टाइम कहीं पे रुकते हो तो। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे फ़ैन भी है, छोटा फ़ैन है वो, उसकी कोई दिक्कत थे नहीं, या लगे तो ले सकते हो। वैसे तो हमने ऐसे ही ले करके रखा है उसे, लेकिन दो बंदों के लिए काफ़ी बेहतरीन है। अभी इसकी ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, चाहे जैसे सो सकते हो। हाँ, बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये रहेगी कि अगर ऐसे सो रहे हो तो गलती से गियर को लात मत मार देना, गियर को लात मार दोगे तो गाड़ी आगे चली जाएगी, समझे।
तो ये बात ध्यान रखना होगा। या और भी डर लग रहा है तो इसका आगे वाला स्टेप क्या है पता है? ये सीट को आगे कर लेना है, पीछे वाली सीट को आगे कर लेना है, पीछे भी सो सकते हो आप। तो यो वो जो पीछे सोना है वो कैसे सोना है वो भी इसी वीडियो में दिखा देगा क्या, या अगला वीडियो उसके लिए? चलिए तो उसके लिए हम आपके लिए अगला वीडियो यहाँ पे लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही है कि यहाँ पे आप किस तरीके से सो सकते हो। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए कि आपको यहाँ पे इसे आगे रख करके पीछे कैसे सोना है, तो मतलब इस गाड़ी के अंदर अगर आज के डेट में मैं बोलूँ तो चार बंदे बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, जिसमें एक बंदा सो सकता है। एक्चुअली पांच जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बैठेगा, यहाँ पे दूसरा बैठेगा, यहाँ पे तीसरा बैठेगा, वहाँ पे चौथा बंदा बैठेगा, एंड ये सीट आराम से एक पूरा सीट आप यहाँ पे सोने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो हम पूछ लेते हैं हमारे पार्टनर से कि इन्हें क्या लगता है इसके बारे में। नहीं मतलब ये जो सेटअप है काफ़ी बढ़िया है सोने के लिए दो लोगों के लिए। ओके दो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है अगर हम ऐसा करते हैं तो। बट अगर तीन चार लोग जा रहे हैं, चार पांच, और एक जन को सोना है, और फिर मतलब अल्टरनेटली एक बंदा सो सकता है और पूरी जर्नी हो सकती है आराम से बराबर, तो वो भी हम कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख सकते हैं। बट दो लोगों के लिए ये काफ़ी बढ़िया है। तो जैसा आपने सुना कि दो लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया सेटअप है, ये आसान है, आपको बस इसका हेडरेस निकाल के रख देना है, पीछे वाली सीट को पीछे कर लेना है, दो पिलो आपके साथ रखनी है जो आप आराम से आपकी जो डिक्की प्रोवाइड किया डिक्की के अंदर रख सकते हो, पानी की बॉटल आप रखने वाले हो डेफिनेटली, एंड गाड़ी के अंदर डीजल होना चाहिए। अगर रात को कहीं रुकने की प्लानिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली गाड़ी को आपको चालू रखना पड़ेगा, बंद तो आप कर नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई आपको लगता है। तो आई होप ये बातें आप सबको पता होगी, एंड काफ़ी बेहतरीन सा मुझे यार यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ऊपर की साइड में तो एसी का वेंट हो वो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनोवा जिसके पास है उसको पता ही है कि क्या क्या लगता है। और अगर ये सब होने के बाद भी अगर आपको और ठंडी हवा चाहिए, मतलब पूरा बर्फ़ ही बन जाना है आपको, तो भाई फिर ये फ़ैन भी ले सकते हो। तो ये फ़ैन का लिंक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया फ़ैन है। अभी अमेज़ॉन पे डील भी चल रही है, तो डील में मेरे हिसाब से आपको ये 850 के आसपास पड़ जाएगा, 850 भी नहीं, 750 के, 750 के आसपास पड़ जाएगा, 750। हाँ राइट, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आते तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, एंड नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, जैसे पीछे किस तरीके से आप सो सकते हो, एक सीट को फोल्ड करके बाकी पांच लोग यहाँ पे किस तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं, हर एक चीज़ का डिटेल में वीडियो लेकर के आएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कुछ बोलना चाहोगे? बाय बाय, इतना ही, बाय बाय। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना सर, बिल्कुल ठीक है, एकदम आराम से झोपू शकतो तू इथं। असं पाहिजे असं, एका कुशीवर पण झोपू शकतो मी असं, ब्लँकेट उडून घ्यायचं फक्त, ब्लँकेट आणून दे रे। नाही बहुत बढिया, सच में बहुत बढिया सेटअप है ये तो, सोने के लिए तो बहुत सही है।